का क्या है आज? बर्थडे। हाँ, विश करो दीदी को, हगी करो। क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे दीदी। हैप्पी बर्थडे दीदी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 12th अप्रैल, येशा का बर्थडे, एंड थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू आप सब के लिए। आप लोगों ने इतने सारे प्यारे प्यारे गुड विशेस भेजे, इतना सारा प्यार भेजा येशा के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। और येशा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, डेफिनेटली बर्थडे होते ही है एक्साइटेड होने के लिए। और कल रात को मैंने उसको बोला कि जल्दी सो जाओ, तो जल्दी उठोगे तो लॉन्गेस्ट बर्थडे मिलेगा, और फ्राइडे है तो लेट भी सो सकते हो, तो बहुत ही लंबा टाइम मिलेगा आपको बर्थडे में। तो वो कल जल्दी जल्दी सो गई थी और आज 6:30 उठ गई, जबकि वो 7:30 उठती है और मुझे उठाना पड़ता है, आज खुद से ही उठ गई 6:30। बर्थडे का एक्साइटमेंट। और यहाँ बन रहा है उसका फेवरेट लंच बॉक्स पास्ता। ये वाला पास्ता यूज कर रही हूँ, मेड विथ 100% वीट सेमोलिना, और ये सुपर स्टोर का अपना ब्रांड है पीसी। आप लोग पूछ रहे थे मैंने कौन सा बटर यूज किया था घी बनाने के लिए, तो ये वाला यूज किया था मैंने कॉस्को से, बट आप कोई भी अनसॉल्टेड बटर ले सकते हो। और आप लोग इस लंच बॉक्स का लिंक मांग रहे थे, तो मैं अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। And birthday girl is ready with a cute hoodie. ये बहुत ही क्यूट है। और ये येशा के क्लास के लिए कपकेक्स। स्कूल जा रहे हैं अभी हम, उसको ड्रॉप करने बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और मॉर्निंग से सबके कॉल्स आ रहे हैं, सबके मैसेजेस आ रहे हैं। बर्थडे तो होता ही है फुल ऑफ एक्साइटमेंट, हम भी छोटे होते बहुत मजे करते थे, मैं तो अभी भी एक्साइटेड रहती हूँ। थैंकफुली आज बारिश नहीं हो रही है। येशा स्कूल में बहुत एक्साइटेड थी, उसके फ्रेंड्स उसको विश कर रहे थे, पहले से बोल रखा था उसने, कुछ बच्चों को याद था तो वो बहुत खुश थी कि बिना याद दिलाए मेरे फ्रेंड्स को मेरा बर्थडे याद है। तो बस अब लंच प्रिपेयर करूंगी, लंच में बना रही हूँ स्पेशल पूरी और आलू, जो भंडारे वाले आलू होते हैं ना, लाइक प्रॉपर जो हलवाई लोग बनाते हैं और पूरी के साथ बहुत अच्छा लगता है, वैसे वाले आलू की सब्जी बना रही हूँ और पूरी बनाऊंगी। और बर्थडे स्पेशल खीर तो मैं हमेशा बनाती हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हो और प्रीवियस जितने भी बर्थडेज हैं अनुज के, येशा के, कियूष के, लास्ट ईयर के, अगर आपने देखे तो आपको पता है कि बर्थडे में खीर तो ज़रूर बनता है हमारे घर पे। और इनफैक्ट मेरी मम्मी कोलकाता में भी खीर बनाती है घर पे, सबके बर्थडे पे केक ला के वो लोग भी वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। में फोन आया था तो वो तब केक कट कर रहे थे, तो खीर बनाना तो काइंड ऑफ ट्रेडिशन हो गया हमारे घर का, कि कुछ भी स्पेशल है तो खीर तो बनाना ही है। और यहाँ पे खीर रेडी हो गई है, बस लास्ट में थोड़ा सा ये रोज पेटल्स डालूंगी। और यहाँ पे केयूष कार ड्राइव कर रहे हैं। Car. क्या है ये? It's a car. That's what I said. Kyush is driving car. It's not a car. Then? It's not a car. Car. Huh? Car? Yeah. Okay. And this is the stereo. This is a steering wheel. Orange steering and wheel. And this is the wheels. अच्छा ये wheels हैं। और यहाँ पे कौन बैठेगा? अरे दीदी। दीदी बैठेंगे, वेट करोगे आप दीदी का? Yeah. दीदी जब स्कूल से आ जाएंगे फिर दीदी बैठ जाएंगे, ठीक है? कपकेक्स दीदी स्कूल में कपकेक खा रहे हैं। हाँ भी मम्मा बनाएंगे। और वेदर भी बिल्कुल नाइस एंड सनी। और जब से हमने प्लांट्स लगाए हैं एवरी डे मोस्टली रेन हो रहा है, तो पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, पानी की बचत।
और इन सारे फ्लावर्स से ना बहुत ही स्वीट सी एक खुशबू आ रही है और बिल्कुल डोर के पास में है, तो जब भी एंटर करो प्यारी सी खुशबू आती है। और यशा के अपने बहुत सारे प्लान्स हैं, उसने पूरा अपना बर्थडे खुद प्लान किया है। मैंने सरप्राइज़ में उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया क्योंकि उसको खुद से पसंद करके टॉय लेना है। तो बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, इनफैक्ट उसने डिनर के लिए रेस्टोरेंट भी सिलेक्ट कर लिया है। भाई 7 ईयर्स की हो गई है हमारी बेटी, बड़ी हो गई है, अब अपने डिसीजंस खुद लेती हैं, अपना बर्थडे खुद प्लान करती है। वो तो शुक्र है मम्मी पापा के साथ मना रही है, कुछ सालों बाद तो बस फ्रेंड्स के साथ ही मनाएंगे। एनीवेज बस अभी लंच की तैयारी करती हूँ। मॉर्निंग में ही आलू बॉईल करके रख दिए थे मैंने, और यहाँ पे लिया है मैंने जीरा, कलौंजी, अजवाइन, सौंफ और कोरिएंडर सीड। इसको थोड़ा सा कूट लेंगे और ड्राई मसाले में डाला है सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड मिर्च और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। और ये मस्टर्ड ऑयल गरम हो गया है, पहले डालेंगे सारे खारे मसाले और खूब सारा हींग। और यहाँ पे अनियन, जिंजर, गार्लिक को फ्राई कर लिया है, फिर इसमें ये सूखे वाले मसाले डाल दूंगी। एक टमाटर डाला है मैंने, आलू तो रफली यहाँ पे ऐसे तोड़ लिए और फिर इसमें डाल दूंगी। लास्ट में थोड़ा सा क्रश करके कसूरी मेथी डाल रही हूँ, अच्छा फ्लेवर आता है इससे। ये सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है और पूरी का आटा भी रेडी है। इसमें मैंने अजवाइन, सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल मिलाया है। और पूरी का आटा हमेशा हार्ड होना चाहिए, रोटी के लिए आटा सॉफ्ट होना चाहिए और पूरी के लिए हमेशा आटा हार्ड होना चाहिए। पूरी आलू बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, खीर भी बन गई है। और अब मैं सोच रही हूँ, थोड़ा टाइम है अभी भी अनुज के आने में, अनुज ने हाफ डे लिया है तो अराउंड 1 o'clock तक आ जाएंगे, उसके बाद ही खाना खा के फिर यशा को जाएंगे पिक करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइम है तो केक भी बना लेती हूँ ताकि सारा काम ख़त्म हो जाएगा। चीनी ठीक है? जी। खीर। और अभी मैं जा रही हूँ केक बेक करने। हमारे घर में कैरेट केक बड़ा फेमस हो गया है, तो यशा ने बोला उसको कैरेट केक चाहिए और उसको फ्रॉस्टिंग नहीं पसंद, तो हम कोई फ्रॉस्टिंग, कोई डेकोरेशन नहीं करने वाले, बस कैंडल लगाएंगे। और मैं जो भी रेसिपी फॉलो कर रही हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप ट्राई करना चाहो तो वो लिंक फॉलो करके ट्राई कर सकते हो। अभी अनुज और केयूष जा रहे हैं यशा को पिक करने के लिए, तो मैंने बोला मुझे डॉलर स्टोर ड्रॉप कर देने के लिए, मैं थोड़े बलून्स और थोड़े बहुत डेकोरेशन स्टफ, कैंडल भी लेना है,
तो वो ले लूंगी. एक बार ही उड़ा दिया था अगर आपने वो वाला ब्लॉग देखा है. खा लो पहले. That is the best kheer I ever tasted. अच्छा. That's the best I've ever seen. क्या करते हैं सबसे पहले? We blow the candles. And? We blow the hot. Blow the hot candle and make a wish. Make a wish. Blow the candle. Happy birthday to you. Happy birthday. Yes, पकड़ो, hold करो. दीदी का knife hold करो. Birthday dear Didi. Yesha. Happy birthday to you. अच्छा डैडी के उसको बुलाएंगे. अच्छा रुको. अच्छा. Yes. अब करो क्या? वही. अच्छा अच्छा. और ये आप सबके लिए खाओ खाओ. येशा को तीन चीजें करनी थी. बॉलिंग प्ले करने के लिए जाना था, वो गेमिंग सेंटर टाइप्स है. टॉयरस जाना है बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए, और डिनर के लिए उसके स्पेशल रेस्टोरेंट जाना है. तो तीन चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है. इवनिंग के ऑलरेडी 4 o'clock हो गए और जो गेमिंग सेंटर है वो 6 o'clock बंद हो जाता है. टॉयरस भी जल्दी बंद हो जाएगा. तो अभी उसको चॉइसेस दिए गए हैं कि कोई टू थिंग्स वो कर सकती है. तो डेफिनेटली टॉयरस कौन मिस करेगा, राइट? तो येशा टॉयरस जा रही है और अपने डिनर के लिए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जा रही है. पैंट्री. यू गेट द कलर. हाँ, वहाँ पे कलरिंग शीट मिलता है. मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है, चलो फिर दिखाती हूँ. Yeah, we did it on our vacation. नहीं, उसके बाद भी गए थे, काफी बार ही गए. तो अभी हम पहले टॉयरस जाएंगे, देखते हैं क्या गिफ्ट लेना. और केक बहुत यम्मी बना था. यम यम. और डॉलर स्टोर में ऐसे बलून्स के प्राइसेस इतने कम है. इट्स जस्ट $1.10. और मुझे याद है जब केयूष 1 year का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, तो मैं बहुत सारे ऐसे बलून्स लाई थी, हीलियम बलून्स लाई थी पार्टी सिटी से. एंड काइंड ऑफ शायद
10-20 लाई थी और नियरली $80-90 पड़ा था हमें. तो डॉलर स्टोर डेकोरेशन के लिए तो बेस्ट है. और केक कट कर लिया ना तो फिर केयूष बोलता है वेयर इज द प्रेजेंट. उसको सब पता चल गया कि बर्थडे पे क्या क्या करते हैं, केक कट करते हैं, कैंडल ब्लो करते हैं और प्रेजेंट. तो चलिए अब दोनों को प्रेजेंट दिलाते हैं. Half 3 when I called you up, said I need you now cause I'm losing patience. By 4 you were knocking on my door. I said love is a two-way road, he don't care no more, am I going crazy? Needed you just to help forget it all. And it was easy, you put the records on to replay. Dance till we couldn't see straight, till the morning came along. Don't need the weekend, we don't wait until the evening. We don't need to find a reason to turn it up. Kirsch so gaya hai car mein. तो मैं और येशा आए टॉयरस. अच्छा ही हुआ वो आता तो बहुत जिद करता. बट उसके लिए कुछ ले लूंगी छोटा सा जो भी उसको अच्छा लगता है. आई नो कार्स एंड ऑल समथिंग. सो गया था ना और जब घर आए तो कार से उतरे तो उसको लगा अरे टॉय स्टोर तो गई नहीं. फिर रोने लगा और फिर कार दिखाई तो इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया. और उसको यही चाहिए था. लाइक केशा को बता था कि उसको यही चाहिए. बस इसके पार्ट्स खोना नहीं. ठीक है अभी नहीं लगेगा व्हील. रुको अभी रुको. अरे अभी रुको. पहले यहाँ देखो ये वाला पार्ट कहाँ है. और ये शख्स ने ये लिया है शॉपकिंस का हैप्पी प्लेसेस. और इसमें क्या ये पार्टी हाउस. Yeah. I'm not sure. Something got to do with party. Yeah. And guess what? Miniature decor. इस तरह का कुछ बनेगा. No, you have to join these together. That's why these are there. Okay. अभी प्लान चेंज हो गया है. अब येशा टॉय लेके आ गई तो अब उसको दोबारा नहीं जाना है. तो अब बोल रही है कि पिज्जा ही ऑर्डर करते हैं घर पे. तो डिनर के लिए हम बाहर नहीं जा रहे, घर पे ही पिज्जा खाने वाले हैं. और अभी मैं चाय बना रही हूँ. पूरी बना ली है तो सबको नींद आ रही है. मतलब मुझे और अनुज को होता है ना पूरी सब्जी पूरी छोले ऐसा कुछ खाओ ना. तो ये संडे सैटरडे ब्रेकफास्ट होना चाहिए कि खाओ और उसके बाद अच्छी सी नींद हो जाए. तो अच्छा ये जाना नहीं है अब. तो अब रिलैक्स करेंगे घर पर ही. तो चाय बना रही हूँ और डिनर तो बनाना नहीं है, पिज्जा ऑर्डर करेंगे. पिज्जा टाइम. तो अभी हम पिज्जा एंजॉय करने वाले हैं. और केयूष बहुत ज्यादा हैप्पी है अपने पुलिस कार से. और जब से लेके आया तब से प्ले कर रहा है. अब कितने दिन बिजी रहता है लेट्स सी. होता ही है ना न्यू टॉय आता है तो 2-3 डेज तक उसका इम्पोर्टेंस बिल्कुल टॉप लेवल में होता है और फिर वो किसी कॉर्नर में पड़ा होता है. आपके भी घर में अगर टॉयज का यही हाल होता है तो प्लीज मुझे भी बताना कि बच्चे ऐसे ही करते हैं. ओके येशा, सो हाउ वाज योर बर्थडे? गुड गुड. यू हैड
fun in your birthday? It's still hot. And tomorrow's the half of my birthday, right? Ha, tomorrow papa ne bola hai ki aaj hum bowling nahi ja paaye. To kal Yesha ko bowling leke jayenge. So it's my extended birthday party hoga Yesha. Yeah, that's an extra birthday, Mommy, but no kid. तो होप आप लोगों ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा तो थम्स अप येशा के लिए जरूर देना इफ यू लाइक दिस पिज्जा देन गिव अ थम्स अप इफ यू लाइक द केक गिव अ थम्स अप और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी टिल देन यू टेक केयर स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज Bye-bye. Bye.